नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। वैदिक पंचांग के अनुसार 2024 अक्टूबर महीने में पंचक कब से शुरू हो रहे हैं, इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि महीने में आने वाले यह 5 दिन शुभ नहीं बताए जाते। कहा जाता है जो पंचक होते हैं इनमें ग्रहों की चाल ढाल अशुभ प्रभाव देने वाली होती है और कहीं ना कहीं रोग, दुर्घटना और तमाम तरह की परेशानी जीवन में इनसे बढ़ती है। जो अक्टूबर महीने में आने वाले पंचक हैं रोग पंचक कहलाएंगे। इनमें रोग, व्याधि इत्यादि जीवन में प्रभावित होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी राशि के जातक रोग इत्यादि से अपनी जो है अपने बचाव ज़्यादा से ज़्यादा करें। कहा जाता है जो पंचक होते हैं उस दौरान लकड़ी का कोई कार्य कराना, लकड़ी काटना, चारपाई और जो अपने घर के लिए बनवाने के लिए जो लकड़ी इत्यादि का कार्य है या फर्नीचर का कोई भी कार्य, जो पंचक होते हैं इन 5 दिनों में लकड़ी से संबंधित किसी भी स्वरूप में कार्य नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा करने से भी स्वयं को रोकना चाहिए जितना अधिक संभव हो। इस चीज का भी ध्यान रखें कि बहुत आवश्यक हो तो हनुमान जी या महादेव के मंदिर में प्रणाम कर भोग प्रसाद समर्पित कर उनसे अनुमति लेकर आप आवश्यक तौर पर कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा जो है आवश्यक हो ही जाए तब। और साथ ही किसी छत, जो मकान निर्माणाधीन है उसकी छत डलवाना भी श्रेष्ठ और शुभ नहीं माना जाता। साथ ही पंचक के दौरान कोई भी मांगलिक और श्रेष्ठ कार्य करना अशुभता के स्वरूप में जो है यह लागू होता है। हालांकि सभी पंचक अलग अलग प्रभाव देने वाले होते हैं, जैसे रोग पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक, यह अलग अलग पंचक कहे गए हैं। सभी अशुभ नहीं होते, परंतु रोग पंचक जो है अशुभ प्रभाव देने वाला होता है, तो इस दौरान अपना ध्यान रखें। 2024 अक्टूबर महीने में कब पंचक शुरू हो रहा है ध्यान से सुनिए। 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार की शाम 3:44 से पंचक शुरू होंगे और यह रोग पंचक का समापन 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार की शाम को 4:20 के आसपास होगा। तो इस दौरान किसी श्रेष्ठ और नए कार्य की शुरुआत करने से बचिए। कहा जाता है अगर पंचक के दौरान बच्चे का जन्म हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहा जाता है 5 बार, हालांकि यह चीज़ें जो है क्षेत्र शास्त्र के अनुसार बदलती हैं, सभी की अपनी धारणा होती है, परंतु कहा जाता है 5 जनों की पंचक के दौरान मृत्यु होती है। साथ ही जन्म लेने वाले व्यक्ति की 5 बार अर्थात एक बच्चा जन्म लिया है तो कुटुंब में 5 बच्चे और अधिक जन्म लेंगे, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। हालांकि क्षेत्र के अनुसार बदलती हैं चीज़ें और साथ ही इन सभी चीज़ों के उपाय और नियम भी शास्त्रों में कहे गए हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। हमारी टीम से जुड़कर ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।